पिछली बारी असी गल जिहड़ी है वो इबने रुश्त मुकाई सी, ते इस वारी असी गल जिहड़ी है वो इबने अरबी तो शुरू करांगे। इबने अरबी जिहड़े सन वो 1165 विच जमे सन ते 1240 विच मरे। मतलब ये है कि 12वीं सदी च जमे ते 13वीं सदी च मरे। इबने अरबी का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद बिन अरबुल हातमी उताई सी, ते वो उंदलसी यानी स्पेन दे मुसलमान सन। अच्छा हुण इह तुसीं वेखो कि हुण तक असीं जिन्ने फलसफी देख चुके हैं उन्हां विचों बहुत सारे ईरानी सन, उन्हां चों एक अद दो बगदाद दे सन ज़्यादातर, और फिर स्पेन या उंदलस दे सन। इन्हां विचों कोई भी सऊदी अरब या जिहड़ा इलाका जिथों इस्लाम उठिया सी उत्थों कोई फलसफी नहीं पैदा होया। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान और इराक ये दोवें बहुत पुरानियां तहजीबां दी थां सन। इराक जिहड़ा है वो बहुत ही जिहड़ी कदीम तहजीब सी जिन्हों मैसोपोटामिया कहा जाता है वो उत्थे उहदा मरकज सी। ईरान भी बहुत शुरू दे ईरानी तहजीब की भी बहुत लंबी तारीख है, और इस तरह तुसी स्पेन नूं भी लै सकते हो। लिहाजा वो इलाके जिन्हां विच तहजीबां जिहड़ियां ने वह बहुत जिन्हां की तारीख लंबी सी और जिन्हां विच विचारधारा पहले तो चली आ रही सी उन्हां विच जिहड़े ने ये जिन्हां नूं असीं मुसलमान फलसफी कहने हैं उन्हां विचों वो आए, और उन्हां विचों नहीं आए जिन्हां विच वो जिहड़ी है वो पसमंजर नहीं सी हैगा, उन्हां दी वो बैकग्राउंड नहीं सी हैगी। जिहड़े इबन अरबी सन उन्हां नूं मुसलमान जिहड़े ने वो बहुत उच्चा दर्जा दिंदे ने, तो उन्हां नूं शेख अकबर आखदे ने। आम तौर ते इबन अरबी जिहड़े ने वो सुन्नी मुसलमान मन्ने जांदे ने, पर उन्हां दी 12 इमामा ते जिहड़ी किताब है वह भी बड़ी मशहूर है। फिर ये भी कहा जाता है कि उजारी फिरके दे सन, पर ये जिहड़ा है ये भी गल पक्की नहीं मन्नी जाती। पर ये सानू पता है कि उन्हां दे दादके जिहड़े सन वो तिया कबीले दे, ते नानके जिहड़े सन वो मराक्षी सन यानी मराकश दे सन अफ्रीका दे। इबने अरबी होरां दा जिहड़ा प्यो सी वो शाही मुलाजम सी, ते इस वास्ते जिहड़ी इबने अरबी दी पढ़ाई हुई वो दरबार विच ही हुई, ते बड़ी छोटी जी उम्र दे विच ही उन्हां नूं सोल दे गवर्नर दा सैकटरी दा अहुदा मिल गया सीगा। पर इबने अरबी उन्हां आप लिखिया है कि जदों वो निके सन जवानी दी पौड़ियां पहलियां चढ़ रहे सन तो उन्हां नूं कोई पढ़न लिखन दा कोई शौक नहीं सी हैगा, उन्हां नूं खेडण दा शौक सी अपने हाणियां दे नाल, ते उहदे विच लगे रहिंदे सन। पर फिर उन्होंने जवानी में ही एक रब का नजरवा नज़र आया, तो उन्होंने संसार बारे जी अख खुली। फिर उन्होंने उन्होंने कहना कि उन्होंने हज़रत ईसा का जन्म नज़र आया, तो उन्होंने कहण के मुताबिक हज़रत ईसा उन्होंने पहले रैबर सन। अच्छा ये जो सारा कुछ हो रहा है तो उन्होंने प्यो न जड़े अबने अरबी के प्यो सन उन्होंने बड़ी फिक्र लगी ये मुंडा पता नहीं कितने जा रहा है, तो वो उन्हों इबने रुशद को लै गए, क्योंकि तुसी तुहानू याद होगा इबने रुशद जड़े ने वो भी उंदलस विच ही सन। उन्हां को लै गए तो उन्होंने तो पता नहीं की किया, लेकिन इबने अरबी कहिंदे ने कि जदों उन्होंने जदों वो इबने रुशद नूं मिले तो उन्होंने पहली बारी पता लगा कि जड़ी इलम है जड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मल इलम है और जिहड़ा हकीकी इलम है उहदे विच की फर्क हुंदा है, और वह उन्होंने इबने रुशद दे नाल मिल के पता लगा। इबने अरबी जिहड़े ने वह अरब ते स्पेन ते दूजे मुल्कां च सारी उम्र घूमदे रहे,
ते अखीर 75 साल की उम्र च दमिश्क विच उन्हां वो पूरे हो गए। इबन अरबी जिहड़े ने उन्हां दी जिहड़ी फलसफा है उहदे विच बहुत जिहड़े सेंट्रल विचला जिहड़ा कॉन्सेप्ट है वो इंसाने कामल दा है। उन्होंने इंसाने कामल जिहड़ा है उन्हूं उहदे तसव्वुर नूं ये मिसाल दिती है, एक मिसाल दिती है, एकता की मिसाल दिती है जिस उन्होंने शीशे की रमज वरती है। उन्होंने ये कहना है कि जड़ा शीशा है उहदे विच अनगिनत चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हों का रिफलैक्शन होंदा है, लेकिन शीशा होवे तो उहदे च रिफलैक्शन होंदा है। सो उन्हों का कहने का मतलब ये है कि जड़ा रब है वह शीशा है और जिहड़े बाकी दुनिया की हर शै बनी है वह चीज़ा ने जिहड़ियां अपना आधार उस शीशे दे विच करदियां ने। वो कहिंदे ने कि जदों इस गल समझ ली जाए कि बंदा ते खुदा एक ही चीज़ है ते जिवें जिवें वो बंदा उस दे नेड़े हुंदा जाएगा खुदा दे ते उहदी सुरत जिहड़ी है वह उच्ची हुंदी जाएगी। अच्छा, उच्ची सुरत पारों अपने अंदर एकता दे हकीकत नाल बनन नाल रब दा विखाला बन जांदा है। इस तरह इंसाने कामल जिहड़ा हैगा है वह जमीन ते समान बन आप जमीन ते समान बन जांदा है। इबन अरबी इस नूं अस्तमस कहिंदे ने जो रब दे अपने जलवे नूं विखालण दी सदर नूं पूरी करदा है। इबन अरबी जिहड़े ने वह रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक मुकम्मल इंसान समझदे ने। इबन अरबी का कहना है कि मुहम्मद जिहड़े सन वह मुकम्मल इंसान सन ते जो भी पहली हकीकत वजूद विच लियांदी गई वो उन्हां दी ज़ात सी जिसनूं वो अल हकीकतुल मुहम्मदिया कहिंदे ने। उन्हां दे कहण दे मूजब मुहम्मद इंसाने कामल दी मिसाल ने ते रब दे सारे नावां दा विखाला ने। रब नूं मुहम्मद दे शीशे विच वेख्या जा सकदा है, वो उस दे मुताबक उन्हां दे मुताबक मुहम्मद रसूलुल्लाह दी ज़ात ही खुदा दा सबूत है। वो आदम नौ इब्राहिम मूसा ईसा नूं भी मुकम्मल इंसान कहिंदे ने, पर उन्हां नूं वो दर्जा नहीं दिंदे जिहड़ा कि रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा है। उन्हां दे कहना है कि जिहड़े मुहम्मद अरबी दा कहना कि उन्हां दे अंदर एक बहुत छोटा जिहा पक्ष मुकम्मल इंसान दा या है, लेकिन उन्हां दे विच पूरा मुकम्मल इंसान होने की ताकत नहीं है। ये तुसी इन्नू जिहड़े जिहड़े साडे सूफी ने बरेसगीर दे भी जिहड़े सूफी ने वो इबन अरबी नूं बहुत वड्डा मानते ने और उन्हू जिवें गजाली नूं जिहड़ा कदावन प्रस्त मानते ने इवें जिहड़े सूफी ने वो इबन अरबी नूं मानते ने और इस वास्ते ही उन्हों का जिहड़ा इश्क दा जिहड़ा उन्हां च बहुत सारे दा इश्क दा और मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल इश्क दा जिहड़ा तसव्वुर है वह इबन अरबी तो आया। इबन अरबी तो बाद असीं हुण गल करांगे इबन खलदून दी। इबन खलदून 1332 विच पैदा होए सन ते 1406 विच यानी 15वीं सदी दे शुरू विच वह गुजर गए सन। अच्छा, इबन खलदून जड़ा सारे फलसफिया दे विचों बहुत ही अहम और मुढ़ली विचारधारा जिन्हें बनाई वो इबन खलदून से, क्योंकि बाकी जड़े ने वो पहले जड़े फलसफी सन वो मजहब और खुदा दे साबित करन ते और मजहबी असूलों की बहस विच पै जांदे सन, लेकिन जड़े इबन खलदून सन उन्होंने कहा कि नहीं जी ये सीधी सीधी गल है कि दो साइंसा है ने, एक तो मजहब की साइंस है जिहड़ी कुरान ते बाकी चीज़ां दे उत्ते जिहड़ी हुंदी है उहनूं पढ़ना होए ते वक्खरा पढ़ो ते बाकी जिहड़ी साइंसी इलम है वह वक्खरा है उहनूं अपने तौर दे उत्ते पढ़िया जाना चाहिए। इबन खलदून हुरां दा पूरा नाम जिहड़ा है अबू जैद
अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन खदून अल हजरमी सी ते ओ उन्होंने मुआशियात यानी सोशियोलॉजी मुआशियात यानी इकनॉमिक्स समाजियात सोशियोलॉजी ते आबादियात यानी डेमोग्राफिक्स दा मोडी या उदा 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 प्यो बने जाता है। यूरोप के मुसलमान यूरोप के सूझवान जड़े ने उन्होंने मिडल एजेस का सब तो वड्डा फलसफी समझते हैं। अच्छा जेडे इब्ने खलदून सन वो अंदलुस विच एक स्पेन तो आए हुए अमीर घर में जमे सन। वो मुढ़ो यमनी सन उन्होंने टब्बर के लोग अंदलुस विच वड्डियां वड्डियां अहुदियां ते लगे हुए सन। अच्छा जी सिविल शाही सोल शाही मुकण के कारण उन्हों का टब्बर जोड़ा सी वो स्पेन छड़ के त्यूनस आ गया तो उन्होंदा जोड़ा सी वह भी किसी सूफी पंथ में रलती सी। फिर उन्होंने भरा सी एक याहिया खलदून वो एक तारीखदान सी लेकिन वो बेचारे उन्होंने कतल करता गया। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹਾਲ ਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਬਦਰ ਮੌਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਰ ਸੀ ਪਰ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਨਸ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਬਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਮੀਰ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਫਿਕਾ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਫਲਸਫੀ ਅਲ ਅਬੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਰਿਆਜ਼ੀ ਮੰਤਕ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬੀਸੀਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੂਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨਾ ਉਤਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਲੰਘਦੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1352 ਵਿੱਚ ਕਸਤਨਤੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਤਿਊਨਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਅਬੇਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ ਉਹ ਫਿਕਾ ਉਹ ਫਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬੂ ਅਨਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਸਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਬੂ ਅਨਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰੁਲ ਹਸਨ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਛਡਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਅਬੂ ਸਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਸਾਲਮ ਨੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਸਾਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਦਾ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਬਨੇ ਅਮਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਨਾਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਰਨਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲ ਖਾਤਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ
ਚੱਲ ਖਾਤਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਬਨੇ ਖਲਬੂਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਮਾਲੀ ਅਫਰੀਕਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਤਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੋਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤਿਊਨਸ ਵਿੱਚ ਅਬੂਲ ਅਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਹਜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੌਖ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਮਲਕ ਦਾਹਿਰ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਆਮੀਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੱਕਾ ਹਜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ 1388 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੂਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 6 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੀਫ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 6 ਹੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਫਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੋਲ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੋਲ ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਆਪੂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਿਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਆ ਕੇ ਤਾਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 21 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ 1406 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਅਰਬ ਜਾਂ ਇਰਾਨੀ ਫਲਸਫੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ YPG ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵਧੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਤਿਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਏਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਆਰੀਆਵਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ, ਯਾਨੀ ਵਾਧੂ ਕਦਰ, ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖਾਮ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨਵੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਫਿਤਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਹਿਊਮ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਪਟਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਉਹਨਾਂ ਮੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਧੂ ਪਤਾ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਇਸ਼ਰ ਮਾਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਬਨੇ ਖਲਦੂਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਮਾਲੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਅਤੇ
स्टेट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ते इन्वेस्टमेंट नूं लिया जांदा है, ये नजरिया भी जिहड़ा है ये वो पेश कर चुके सन। अच्छा जी, इबन खलदून का नज़रिया यह सी कि समाज के चलने लिए रियासत जरूरी है क्योंकि उसके बिना ना इंसाफी होएगी, पर रियासत आप जिहड़ी है वो ताकत की वरतों की विच सब तो वड्डी बेइंसाफी करती है, पर समाज में एक हुकूमत की लोड़ है। उसने कोशिश की जो वक्ख वक्ख समाजों में यानी इबन खलदून ने खसलता लभ के उसनू एक साझा विचार बना सके। उन्होंने कहना सी कि जब तक इंसान है वे सेव भी रहेंगे, तो इस तरह उसने पहली बारी सचमुच की तारीखी होनिया तो यानी मतलब कंक्रीट जी जी सोसाइटीज़ की अगे वधन की जी रफ्तार या तरीका सी उस उत्ते पहली बारी उसने जड़ा है एक फलसफा बनाया। अच्छा, इबन खलदून का यह भी एक नजरिया सी कि जी नौकरशाही है ये किसी भी मुल्क नूं अगे नहीं वधन दिंदी क्योंकि जड़े जी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी होंदी है वो हुनरमंद ते आलम लोगों नूं अगे नहीं वधन दिंदी। उसके मुताबिक नौकरशाही कारोबारी ते मुआशी विधार रोकती है क्यों जो उन्होंने कारोबार तो उसकी लोड़ां दी समझ नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी नूं नहीं समझ आती। अच्छा जी, इबन खलदून के फलसफे में फिक्र या सोच की ताकत की बड़ी मुढ़ली अहमियत है। यो अहलीयत है जो इंसानों नूं एक दूजे नाल जोड़ती है तो मेहनत की वंड करती है। इहदे नाल नाल उह छावां बनाउण की कारीगरी आल आदतां ते हुनरबंदी नूं इबन खलदून जिहड़े ने उह बड़ी वड्डी उच्ची थां दिंदे ने। उहनां दा इबन खलदून का कहना है जो किसी भी समाज की तरक्की वेखना हो ते इन्हां चीज़ां नूं वेखना चाहिए कि उसकी कारीगरी आदतां हुनरमंदी कित्थे ने। इन्हां सब पक्षां लई उह कहिंदे ने कि तालीम दा होना जिहड़ा है वह बहुत जरूरी है। अच्छा, इबन खलदून ने जिहड़ा ना वह समाज के वधा दे विच ज़बान का भी बड़ा बड़ी उन्हें कहा कि यदि भी बहुत बहुत मुढ़ली अहमियत है, यदि मुढ़ली लोड़ है। वो कहते हैं कि मैं ये देखा कि जेडे अरब इलाके ने उन्होंने गैर अरब आ के तो बहुत तरक्की कर लेंगे ने तो किवें कर लेंगे ने। वो कहते हैं कि वो इवें करते हैं कि वो जिन्होंने जो बाहरों आने वाले जो अरबी जबान से अबूर हो जाता है तो वो जेडे लोकल बंदे होंगे ने उन्होंने अगे निकल जाते हैं। वो आम जे अरबा ना भी बहुत जानकारी बना लेंगे ने। उन्होंने ख्याल में समाज में अदब का मतलब नज़म तो नसर के चढ़ा ही उसकी तरक्की का पता लगता है, यानी समाज के नज़म तो नसर की उदाहरण पता लगता है कि समाज कि तरक्की कर गया है। पर उन्हों का कहना है जो जदों अदब अपने शिखर से पुज जाता है तो फिर वो सिर्फ जड़ा डेकोरेशन बन जाता है, वो अंदर कोई जान नहीं रह जाती। उन्होंने ख्याल में मंतकी सैंसा में अलमीर का वधना समाज में भरवा बनाता है। मतलब यह है कि ये जी शिंगार और डेकोरेशन है विचारधारा की कोई अहम गल नहीं है, असल गल यह है कि उसदे विच जी विचारधारा है उसदे विच पूरी जान हो गए तो फिर ही वो जड़ा है वो समाज में अगे। हूँ असी अखीर के उत्ते कुछ गल जी है मोतजला स्कूल तो अलशरिया स्कूल के बारे करना चाहते हैं। मोतजला जड़े सन इन्हों अकलीत पसंद यानी रैशनलिस्ट कहा जाता है तो ये 18वीं सदी च ये 8वीं सदी में जड़ा बगदाद दे विच पैदा होया। इन्हों की मुढ़ली मशहूरी का कारण यह सी जो ये कुरान नू रब वांगू अनसरजिया नहीं सी समझते, यानी ये समझते सन कुरान जिहड़ा क्रिएटेड है, यानी मतलब रब ते सदा तो है तो उसनू किसी ने सरजिया नहीं, पर कुरान रब की तखलीक है।
मोतजला दे दो मुढ़े मुढ़लिया मानता वा सन, एक ते अदल यानी न्याय ते दूजा तौहीद। उन्हां दा मुढ़ला मसला बदी दी होंद नाल नहीं बनना सी, वड्डा मसला यह सी कि जे रब ही जिहड़ा है वह सब कुछ करता है तो फिर तुसी किसी चोर नूं किवें सजा दे सकदे हो ते उह किवें कर सकदे हो। मुतज़िला का कहना सी कि रब जिहड़ा है वह न्याय वाला सूझ वाला है तो इसलिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिहड़ा अकल ते भलाई के खिलाफ होवे। इसका मतलब है जो बंदियां कोल जो 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 बदी भी बंदियां कोलों हुंदी है वो तां ही हो सकती है जे बंदियां दे कोल रब ने आजाद इच्छा दित्ती होवे। ते मुतज़िला का कहना सी कि जो बदी ते नेकी तो उतरी हुई कलाम के नाल नाल कदे, यानी मुतज़िला का कहना सी कि जिहड़ी जिहड़ी मयार है चीज़ों मापन का वो कलाम के नाल नाल अकल ते दलील नाल विथी जानी चाहिए है। इस करके वो हदीस ते तफसीर नूं मनन वाले उन्हां इसलिए जिहड़े हदीस ते तफसीर नूं मनन वाले सन वो उन्हां दे बहुत दुश्मन हो गए। मुतज़िला दा लफजी मतलब वखीवा है, वो इस वास्ते कि आमर इबन अवैद वासल हसन बसरी दे हल्के वे सन ते वो उन्हां तों वख हो गए ते हसन बसरी ने उन्हां नूं क्या उन्हां नूं मुतज़िला दा नाम दिता है। मुतज़िला मतलब वखरे होण वाले। इंज इतज़ाल दा मतलब है लांभे होना, मतलब किसी भी एक धिर दी किसी भी एक धिर दी पक्ष ना लैना। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दे मुताबक ये लफ्ज़ पहली बारी हज़रत अली दी खिलाफत वेले वरत्या गया सी। उस वेले बाद का कहना सी जो हज़रत उस्मान नू उन्होंने कतल करवाया है, तो बाद कहते सन कि जड़े ने हज़रत अली का वो कोई हाथ नहीं सी, तो वह लोग जड़े जड़े हज़रत अली के हक में भी नहीं सन तो मुखालफ भी नहीं सन उन्होंने मुतज़िला कहा गया सी। ते लेकिन यह है कि मुतज़िला से इल्ज़ाम ये दिता जाता है कि उन्होंने जड़े यूनानी फलसफी ने उन्होंने वुड बनाया है तो इसलिए उन्होंने जी निंदा की जाती है। मुतज़िला के पंथ के मुताबिक रब दियाँ कहनियाँ या हुक्म अकल के समझ के ढंग में आने चाहिए ने, तो सिर्फ मुकदस रस्मां यानी सिर्फ जिहड़ियां रिचुअल्स ने प्योर प्योरिटी प्योरिटी दी जिहड़ियां रिचुअल्स ने उन्हां दी मानता नहीं होनी चाहिए, अकल भी वरती जानी चाहिए है। ये इन्हां दी इहो जिहड़ी मानता सी ये अब्बासियां दी खिलाफत जिहड़ी सी उहदे वेले सिखर ते पहुंचड़ी पहुंची, बल्कि अब्बासी खलीफा जिहड़ा अल मामून सी उन्हें तो मुतज़िला के मुखालफा कैद तो मौत दी भी सजावं दित्तियां, पर यह कोई काम 14-15 साल होया तो फिर बंद हो गया। मुतज़िला के मुढ़ले वड्डे पंज सूरे हैं, तौहीद अदल ते वहादत, रब दा रहीम ते कहार होना, बरज़ख ते क़यामत दा होना। इन्हां विचों पहला तो सीधा है, यानी मतलब यह है कि तौहीद वगैरह, तो मतलब यह है कि लेकिन यह है कि इन्हां विच अगर इन्हां सारिआं नूं ही वेखो ना तो इन्हां दा बुनियादी फर्क यह सी कि इस कहिंदे सन कि अगर कोई बंदा जिहड़ा है वह मुसलमान दे तौर ते मरिया है और उन्हें पूरी तौबा नहीं कीती सी, गुनाह नहीं उन्हें छड्डे सन, तो वह मुसलमान भी सीगा तो उन्हें भैड़े अमलों की सजा तो मिलेगी पर वो काफर नहीं समझा जाता समझा जाएगा। इसलिए इन्हों इन के खिलाफ सन जे अशराइट सन इस गल के। मुतज़िला का मजहबी लिखता का नखेड़ा जरा कहते सन इन्हों साफ दिमाग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मनना सी जो जो जे अकल अकल मंतक अकल तो मंतक जी मजहब के नाल टकरावे तो थानू उन्हां दी बहुती दुश्मनी नहीं, उन्हां दा कहना सी कि फिर तुहानूं इन्हां दोहां विचों देखना चाहिए कि किहदी गल मननी चाहिए है। इन इस गल दे पारों बहुते जिहड़े मुतज़िला दे जे दुश्मन सन बहुते इस वास सन, वो कहिंदे सन कि जिहड़ी
मुतज़िला ये कहते सन कि जी गल अकल के मुताबक तो सही हो गए पर वही या कलाम के मुताबक सही ना लगे तो उदे विच जड़ी जड़ी मजहबी जड़ी है गल जड़ी है उन्हों इशारा समझो तो उन्हों इशारा रम समझ के उन्हों इंटरप्रैट करो। इस वास्ते ये मिसाल मैं पहले भी दे चुके हैं असी कि इस वास्ते कहते सन कि मसलन जे रब जिहड़ा है उहदे हाथ दा जिक्र आवे कलाम दे विच ते रब दे बंदिआं वांग हाथ ते नहीं हुंदे। इस लई इह जिहड़ा हाथ है इह इक रमज़ दे तौर ते वरत्या गया। अच्छा उहनां दा मुतरा दा कहना सी कि इंसान दा पहला फर्ज इह है कि उह अकल ते समझ नाल खुदा ते उहदीआं सिफतां नूं समझे। अच्छा ये भी है बड़ी दिलचस्प गल कि ये समझते सन जड़े जड़े मुतज़िला सन कि भावें तुहाडे कोल कोई पैगंबर या रसूल आया होवे या ना आया होवे तुहानूं अपने तौर दे उत्ते खोज करके खुदा नूं लभना चाहिए। तो जेडे अलशरिया ने वह एक ये उल्ट सन वो ये कहते सन कि जितों तक जे खुदा का कोई बंदा पैगंबर थोड़े तक नहीं पहुँचया तो तुसी ते तो जिम्मेदारी नहीं है मुसलमान या अल्लाह नूं मनन दी। एक होर वड्डा यह भी फर्क सी जो मुतज़िला सिर्फ कुरान नूं मनते सन ते हदीसां दे मुनकर सन जिहड़े उहदे मुकाबले च जिहड़े अलशरिया सन वो सुन्नी मुसलमाना दा सब तो वड्डा पंथ सी। अल गज़ाली भी इसे चो सी इस दा मुढ अबुल हसन अल अशरी ने रखिया सी जिन्हां दी मशहूरी जिहड़ी है वो एटमवाद दे कारण है। उन्हां दा यह कहना सी जो हर जर्रा रब ने बनाया है पर यह भी है जो बंदे दी आज़ाद मर्जी नूं भी वह मनते सन। उन्हां इमाम अबू हनीफा दे दोहरे एजेंट तख्त साहब नूं वधाया मतलब बंदा सिख के अगे वध सकदा है। ते अलशरी बहस ते दलील दे हक विच सन पर ज़ाहरी जसमाती ते मुहद्दिसीन दे खिलाफ सन जिहड़े सिर्फ अकल ते चलते सन अकल ते चलण नूं गलत समझदे सन। इन्हां पंथां दा कहना सी जो रसूल सारे मसले निबेड़ गए ने ते जे कोई लोड़ हुंदी बहस दी इस सिलसिले विच ते रसूल दा जिहड़ा उहदा जिक्र जरूर करके जांदे जिहड़ा उहनां नहीं कीता इहदा मतलब है कि वह उहदी लोड़ नहीं सी हैगी। अच्छा अशरियां दीआं जिहड़ियां मुढलियां मानतावां वह दस के असीं खत्म करांगे। पहली तो यह है कि रब हर शै ते कुदरत रखदा है ते उही नेकी ते बुरी दा सोमा है। दूसरा मुतज़िला वांग अशरिया का भी इस ते जोर है जो रब न्यायी है आदल है। तीजी ये है कि रब की निवेकली हस्ती ते उहदियां सिफतां नूं बंदे की सोच ते आवाज पछाण नहीं सकते यानी बंदा उन्हां नूं समझ नहीं सकता इस वास्ते उहदी अकल दे विच आ नहीं सकते। पर इस दे बावजूद कहते सन कि रब ने अकल दिती है तो उहदी वरतों भी करना बंदे का जड़ा फर्ज है। विचारधारा विच उह कहिंदे सन कि विचारधारा सरजना जिहड़ी है यानी विचारधारा दी जिहड़ी तखरीक है कुरान ते मुहम्मद दीआं गल्लां दे दसियां गल्लां दे मुताबक होनी जायज़ है। इस लई तफसीरां लिखियां जा सकदियां ने जिहड़ी कि मुतज़िला नहीं सी मनदे। सिर्फ ये कहिंदे सन सिर्फ रब ही है जिहड़ा जानदा कि किहड़ा ईमान ते है ते किहड़ा नहीं है। तो ये भी कहते सन कि रब दोज़खियां दे गुनाह माफ़ कर सकता है लेकिन जेडे मुतज़िला सन वो इस गल नूं ये नहीं मनते सन। उन्हों का कहना सी कि जेड़ा बंदा है वो अकल नूं कम ना लवे तो उहदा कोई जेड़ी है वो जिम्मेदारी उहदे ते है। अच्छा इन्हों का ये कहना सी कुरान जेड़ा है वो अनक्रिएटेड ना सर्जना ते उदा यहो सत है जो ये
ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੈਸੇ ਸਰਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੀਕਰ ਸਭ ਨਬੀਆਂ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਸ਼ਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਮੁਅਤਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਬ ਇਰਾਨੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।